जय हिंद। इस वीडियो में हम सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कंपनी टेलीकॉम सेक्टर एंड पावर सेक्टर दोनों क्षेत्रों में काम करती है और दोनों सेगमेंट में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है। तो आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि यह कंपनी कैसी है। अगर हम इसमें एज ए न्यू इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इसमें पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, या अगर कुछ व्यक्ति पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, आइए इस वीडियो में समझते हैं। देखिए दोस्तों, सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड कंपनी इस कंपनी का पूरा नाम है और यह कंपनी देखेंगे तो सोलर और वाइंड टर्बाइन से बिजली बनाती है, पावर जनरेशन का काम करती है तथा ट्रेडिंग भी करती है। सोलर प्रोडक्ट के जो सोलर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ट्रेडिंग करती है। इसके अलावा यह पावर केबल बनाती है, जैसे कि टेलीकॉम के लिए तार वार बनाए जाते हैं, जो जमीन में बिछाए जाते हैं, वह तार बनाने का काम करती है। तो ये तो हो गई बिजनेस मॉडल की बात। अब यहां समझेंगे, इस कंपनी का मार्केट कैप 163 करोड़ रुपया, यानी कि एक पेनी स्टॉक है, लेकिन पेनी स्टॉक में थोड़ा इसका मतलब ठीक ठाक है। और शेयर प्राइस देखेंगे तो 12 रुपया है और इसमें 2.43% लगभग 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल अगर देखें तो जितने पेनी स्टॉक है सबका शेयर प्राइस इन दिनों डाउन ही जा रहा है, कोई अभी अप ट्रेंड में नहीं है। अगर शेयर प्राइस डाउन जा रहा है तो कहां तक डाउन जा सकता है, तो देखिए इसके लिए देखते हैं सपोर्ट लेवल। तो जिस कंपनी का पहला सपोर्ट लेवल है 10.85 रुपये का है, अगर यहां तक आके नहीं ठहरता है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 10.25 रुपये। यहां तक आने के बाद शेयर प्राइस ठहर जाएगा और इसके बाद फिर ऊपर जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले जब भी यह अपना 10.25 रुपये तक आया है, यहीं से सपोर्ट लेकर यह ऊपर उठा है और इसलिए यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसका बनता है। अब अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा 14.15 रुपये का और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 16 रुपये का। अब एक बात समझिए कि ये हाई लगा है 17.95 रुपये, लगभग 18 रुपये का इसने अपना हाई लगाया था इसी साल जनवरी में, लेकिन जनवरी में हाई लगाने के बाद शेयर प्राइस डाउन जाने लगा। लेकिन बहुत कम समय में इसने दो बार अपने हाई को टच करने का भी प्रयास किया। आप जैसे ग्राफ में देख सकते हैं कितने कम समय में इसने दो बार अपने हाई को टच करने का प्रयास किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब फंडामेंटल कंपनी का ठीक है। तो हम लोग इस कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा इसका रिटर्न्स के बारे में बता दूँ कि एक सप्ताह में इसने कुछ कमा के नहीं दिया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा मार्केट में इन दिनों हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, उसका बदौलत और एक माह में भी कंपनी ने कुछ कमा के नहीं दिया। हालांकि इसका 6 माह का रिटर्न और साल भर का रिटर्न दोनों पॉजिटिव है, ये काफी बढ़िया बात है। एक साल में 186% का रिटर्न दिया है, मतलब अगर साल भर पहले कोई व्यक्ति इसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो अब तक 2,86,000 रुपये बन गए होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस पेनी स्टॉक में 1 लाख रुपये लगाएगा कौन, लगाने वाले लगाते हैं ऐसा बात नहीं है। और चलिए मान लेते हैं आप 1 लाख रुपये नहीं भी लगाते हैं, अगर 10,000 रुपये इसमें आप लगाए रहते हैं तो एक साल में वो 28,600 रुपये बन गया रहता। अब चलते हैं सीधे हम लोग फंडामेंटल के ऊपर, समझने का प्रयास करते हैं कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं कर्जा का, कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर। कर्जा है 37.23 करोड़ रुपए का, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी ने हर एक क्वार्टर में अपने कर्जे को कम किया है और लगातार पिछले कई क्वार्टर से कर्जे को कम करते जा रही है। इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट जब होता है तो कंपनी अपना कर्जा कम करती है। कंपनी का जो रिजर्व है वह अभी 99.77 करोड़ का है। 99.77 करोड़ रिजर्व मैंने कैश पैसा होना एक पीनी स्टॉक के लिए काफी बड़ी बात है, जबकि इसका मार्केट कैप 100-150 करोड़ के आसपास है और रिजर्व भी क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ते जा रहा है। और इसके अलावा जो CPGR होता है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ रिटर्न 3 साल का, वह भी लगभग 34% के आसपास है। तो एक पेनी स्टॉक के लिए 3 साल का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ रिटर्न इतना काफी अच्छा होता है। हालांकि ये अलग बात है कि 3 साल तक कोई पेनी स्टॉक में रुकते नहीं है, रुकेंगे तब इसका लाभ मिलेगा, कंपाउंडिंग का नहीं रुकेंगे तो कंपाउंडिंग का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग 3 साल के बाद अपना काम करना शुरू करता है। देखिए अभी Q4 का रिजल्ट आया नहीं है, Q3 तक अगर बात करें तो Q3 में कंपनी का रेवेन्यू 5.16 करोड़ से बढ़कर 8.63 करोड़ हो गया था। रेवेन्यू बढ़ा था तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ना स्वाभाविक है। तो देखिए Q2 में इसका प्रॉफिट था सिर्फ 22 लाख रुपए का, लेकिन Q3 में 22 लाख से बढ़कर हो गया 1.84 करोड़। जबरदस्त प्रॉफिट गेन हुआ है इस कंपनी को। और जब रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, तो अर्निंग पर शेयर क्यों नहीं बढ़ेगा? तो अर्निंग पर शेयर जिसको शॉर्टकट में EPS कहते हैं, यह Q2 में सिर्फ 0.02 पैसा था, जो Q3 में बढ़कर 0.14 पैसा हो गया। मतलब फंडामेंटल काफ़ी ठीक है कंपनी का, फंडामेंटल में कोई बुरा नहीं है। इसके अलावा अगर बुक वैल्यू भी देखेंगे तो 8.5 रुपये के आसपास है, यह काफ़ी शानदार है। इतना अधिक बुक वैल्यू इस कंपनी का होना एक पेनी स्टॉक का बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें लगभग 75% के आसपास है। एक पेनी स्टॉक में प्रमोटर्स भर भर के हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें ऑपरेटर्स लगभग 9 के बराबर होंगे। हालांकि पेनी स्टॉक है तो ऑपरेटर्स समय समय पर काम करेंगे, उस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब प्रमोटर्स अधिक होते हैं तो थोड़ा सा उसकी संभावना कम हो जाती है। पब्लिक की हिस्सेदारी है 25.18%, यानी कि पब्लिक बहुत कम है और इससे भी कम है इसके में इसमें DII वालों की भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है, सिर्फ 0.05
1%। हालांकि वो कुछ खास मायने नहीं रखते, लेकिन है यह मतलब एक पॉजिटिव साइन की तरह है कि इसमें DII वालों की भी हिस्सेदारी है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो देखिए कंपनी काफ़ी शानदार है, दो बिजनेस एक साथ संभाल रही है और दोनों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है, साथ में इस कंपनी का फंडामेंटल भी बढ़िया है। तो अगर आप नया है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेशक एक छोटी रकम के साथ, चूँकि पेनी स्टॉक है तो जितना आप रिस्क लेने की कैपेसिटी है उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको थोड़ा समय देना होगा। बाकी अगर आपका इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने निचली लेवल पर बाई किया होगा तो अब तक तो अच्छा खासा कमा ही लिया होगा, और अगर नहीं भी कमाए हैं, अगर ऊपरी लेवल पर बाई करके फंसे हुए हैं तो फिर भी समय दीजिए कंपनी, ठीक है, समय दीजिएगा तो आपको कंपनी कमा कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़ कर बातें करना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं सबसे समय देकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।